गणपति बप्पा मोरिया। तो आज का भी लोग है हमारा गणपति को घर पे लाने का। यहाँ पे हमारे प्यारे गणपति के साथ एक प्यारा सा पोज फैमिली का। इसके बाद हम सब अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद हमने जोर से एक बार बोला, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बच्चों की एनर्जी देखिए कितनी हाई है, बच्चे कितने खुश हैं गणपति को घर ले जाने के लिए। यहाँ से हमसे रहा नहीं गया और हम सीधा घर की तरफ निकल गए। और ये सोसाइटी में एंटर करते हुए गणपति को मैंने संभाला लिफ्ट की तरफ बढ़ के, उसके बाद घर पे ये एंट्री करना, बच्चों के साथ मैंने एंट्री करनी शुरू करी। और यहाँ पे हमारे प्यारे गणपति हमारे घर के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया। और इसके बाद हमने माही ने, इनकी देशवाय की मदर ने बहुत प्यारा डेकोरेशन करा। और ये देखिए हमारे प्यारे गणपति, बच्चे पूजा करते हुए गणपति की स्थापना के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गन्नू महाराज। अभी हम आपको प्यार से हमारे गन्नू महाराज को जूम करके दिखाते हैं कि हमारे गणपति कितने प्यारे थे। और ये देखिए हमारे प्यारे से गणपति, बोलिए जोर से कमेंट में एक बार जरूर लिखें, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पे हमने प्यारे से गणपति की जितनी हमसे अच्छी डेकोरेशन की थी उससे हमारे गणपति हमारे विराजमान हो गए। और आप सबके घर पे भी गणपति विराजमान हुए होंगे तो एक बार जरूर कमेंट में जरूर लिखें, गणपति बप्पा मोरिया। इसके बाद हमने पूजा वगैरह करी। पूजा करने के बाद बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा एंड ये रहा हमारा फाइनल लुक हमारे गणपति का। यहाँ पे माही ने उनको भोग लगाया, जो उनके फेवरेट, सबसे फेवरेट क्या होता है गणपति का, कमेंट में जरूर लिखें क्या होता है, मोदक। तो प्यारे से मोदक बनाए थे, घर पे ही बनाए थे, होममेड मोदक बनाए थे माही ने। और गणपति को खिलाए और गणपति को भोग लगाया। अगर आपको हमारा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।